Good morning students. Today we will start our second chapter in class 12, Lost Spring. These are stories of stolen childhood written by Anish Jung. Her birth year is 1964 and uh, she was born in Rawalkela and spent her childhood and as well sent in Hyderabad. She received her education in Hyderabad, then in the United States of America. Her parents were both writers, and uh, Anish Jan began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book, that is uh, titled Low Spring stories of stolen childhood. Here she analyze the grinding poverty and tradition which condemned these children to a life of exploitation. In this story we will discuss so many children uh, who were suffering from uh, we can say poverty. And let us start our story without wasting time sometimes i found a rupee in the garbage garbage here that uh, we can say um, so many litter we spread over here and there and they are founding the in that litter uh, sometimes a rupee note coin we can see and who found that a little boy who is doing the job of rag picking let us start our chapter why do you do this i asked sahib whom i encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighbourhood i stand here for writer and writer asked sahib that why do you do this दट स्क्रॉचिंग द गारबेज एंड दिस अगली वर्क वाई डू यू डू दिस एंड ही सर्चिंग समथिंग लाइक दैट ही लोस्ट इज गोल्ड इन द गारबेज इन द डाम्स ऑफ द माई नेबरहुड साहिब लेफ्ट इज होम लोंग एगो साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था काफ़ी टाइम पहले एंड सेट एमिडेस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका जो कि उनका घर कहाँ पर था ढाका के अंदर कंट्री है ढाका सॉरी कैपिटल है और उस कैपिटल के अंदर उनका ग्रीन फील्ड में बहुत ही अच्छा घर है हिज होम इज इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी उनके घर की याद ज़्यादा दूर की बात नहीं है देर वर मैनी स्टोम्स डेट स्वेप्ट अवे देअर फील्ड्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम्स आए तूफान आए जिसकी वजह से उनके जो घर थे फील्ड थे वो सभी बह गए हैं स्वेप्ड अवे हो गए हिज मदर टेल्स हिम उनकी मदर ने उन्हें बताया एंड दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लाइज आज वो खजाना ढूंढ रहे हैं दैट मीन्स हम कह सकते हैं रैग पिकिंग का जो वर्क कर रहे हैं इस सिटी के अंदर बड़ी सिटी के अंदर जहाँ पर वो अब रह रहे हैं आई हैव नथिंग एल्स हेर इन द चैप्टर आई हैव नथिंग एल्स टू डू मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था ही मटर्स मटर्स दैट मीन ही साउंडस वेरी लो इन अ वेरी लो वॉइस लुकिंग अवे बाहर की तरफ देखते हुए गो टू स्कूल आई से ग्लिबली

ही इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे बिल्ट वन आई विल गो हेयर दर बॉय रिप्लाई दैट देर इज़ नो स्कूल कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है नेबरहुड में आस पास में एंड वैन दे विल्ट वन यदि वो एक बनाएंगे आई विल गो मैं जरूर जाऊँगा इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम तब राइटर ने उस बॉय से पूछा कि साहिब से कि यदि राइटर एक स्कूल ओपन करती है तो क्या वो स्कूल जाएगा आई आस्क हाफ जोकिंग मैंने उससे सिर्फ ये मज़ाक करते हुए पूछा था यस ही शेज स्माइलिंग ब्रॉडली वो बहुत ही खुश हो गया मुस्कुराते उसने कहा कि यस हाँ मैं आऊँगा अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी इज़ योर स्कूल रेडी कुछ दिन के बाद जब उसने मुझे देखा वो मुझे मेरी तरफ़ भागता हुआ आया और उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि इज़ योर स्कूल रेडी क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मैंट कि मैंने थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए कहा कि एक स्कूल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है इसलिए जो कि मैंने उसके साथ प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं था दैट वाज नॉट मेंट कि उसका कोई मतलब नहीं था वैसा प्रॉमिस मैंने उसके साथ कर दिया था कि मैं उसे स्कूल ओपन करके दूंगी एड्स एट बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिस ब्लीक वर्ल्ड ब्लीक वर्ल्ड दैट मीन्स इन द डार्क वर्ल्ड जैसे प्रॉमिस मैंने उसके साथ किया था वैसा प्रॉमिस उसके ब्लीक वर्ल्ड में बहुत बड़ी जगह बनाए हुए था आफ्टर मॉन्थ्स ऑफ नोविंग हिम काफ़ी महीनों की जान पहचान के बाद आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उसे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम बताया साहेब आलम इसका मतलब होता है कि भगवान का घर कह सकते हैं हम ही अनाउंस ही डज़ नॉट नो वाट इट मीन्स उससे उसका मतलब भी नहीं पता था If he knew its meaning, कि उसे पता होता, कि उसका मीनिंग क्या होता है, Lord of the Universe, कि इस पूरे संसार का मालिक, he would have a hard time believing it, कि उसे बहुत मुश्किल लगेगा ये सब बिलीव करने में, unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the moving morning birds. एंड डिसअपयर एट नून अब वो इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर है और अपने नाम को भी रिप्रजेंट कर रहा है यहाँ पर एंड रोम्स डेट मीन्स मूविंग अराउंड एब्रेपली हम कह सकते हैं गलियों में इस तरह से घूम रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ कह सकते हैं बेयर फुट आर्मी के साथ यानी कि वो जो बॉयज हैं वो अपने पैरों में स्लिपर्स नहीं डाले हुए हैं एंड हु अपियर्स लाइक द मॉर्निंग स्टार बर्ड्स वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सुबह की मॉर्निंग में जो बर्ड्स घूमते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं बट दे आर डिसअपियर इन द नून एट द नून दोपहर के टाइम वो डिसअपियर हो जाते हैं ओवर द मंथ्स काफ़ी महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम कि काफ़ी महीनों के बाद मैं उन सबको धीरे धीरे पहचानने लगी थी वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन एक से मैंने पूछा कि आप लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है माई मदर डिडेंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली एक बच उस बच्चे ने रिप्लाई किया कि मेरी माँ ने अभी उनको सेल से उतारा ही नहीं है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ यदि वो ऐसा करती भी हैं तो वो निकाल देते हैं एड्स अन अदर दूसरे ने कहा हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच और दूसरे ने क्या कहा कि एक बच्चे ने शूज़ पहन रखे थे जो आपस में दोनों क्या थे डिफरेंट थे पेयर नहीं था वो वेन आई कमेंट ऑन इट ही सफ़ल्स हिज फीट एंड सेज़ नथिंग वो अपने पैरों को हिलाने लगे और जब मैंने उसके ऊपर एक कमेंट किया तो उन्होंने अपने पैरों को सफ़ल किया मूव किया एंड uh, कुछ भी नहीं कहा आई वॉन्ट शूज़ वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए सेज़ अ थर्ड बॉय एक तीसरे बॉय ने कहा हुज़ नेवर ऑन अपीयर ऑल हिज़ लाइफ जिसने कभी भी एक जोड़ी मतलब शूज़ कभी पहने नहीं थे अपनी पूरी लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग की कंट्री में वॉक करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एंड बेयर फुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बियर फुट ये एक ट्रेडिशन बन गई है कि वो अब विदाउट स्लीपर हैं is one explanation ki ek nahi explanation di i wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of party अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि एक्सक्यूज़ होता है एक्सप्लेन करने के लिए प्रपैचुअल दैट मीन्स कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ पावर्टी यदि कॉन्टीन्यूस स्टेट पावर्टी को शो कर रहे हैं तो ये एक एक्सक्यूज के रूप में तो मैं एक्सेप्ट कर सकती थी बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम उड़ीपी वंस टोल्ड मी मुझे एक स्टोरी याद आती है ओडीपी में जो मुझे बताई गई थी सुनाई गई थी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पर कि एक छोटे बच्चे के रूप में वो मतलब गए थे पास्ट में स्कूल के पीछे टेंपल के टेंपल के अंदर वेयर वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट जहाँ पर उसके फादर क्या है प्रिस्ट हैं पुजारी हैं ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर टेम्पल में रुकता है एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़ और प्रे करता है शूज़ के एक पेयर के लिए एंड थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल उसी टाउन में उसी टेम्पल में मैं थर्टी ईयर्स के बाद जाती हूँ विच वॉज़ नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ़ डेस्टिलेशन अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेस्टिलेशन में वो चला गया है दैट मीन्स दैट इज़ टोटली डिफरेंट वे दैट इन द बैकयार्ड पीछे के आंगन में वे हर लिव्ड द न्यू प्रेस जहाँ पर नया पुजारी रह रहा है देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी लगी हुई हैं एंड अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग शॉक्स शूज अराइवड पेंट फेंटिंग एंड दैट मीन्स पेंटिंग मीन्स ब्रीथिंग फास्टली बहुत ही तेज़ गति से वो हाँफते हुए मतलब सांस ले रहा है एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैड एक फोल्ड होने वाले बैड पर वो अपने बैग को फेंकते हुए मतलब अंदर की तरफ जाता है लुकिंग एट द बॉय उस बॉय की तरफ देखते हुए आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय मुझे याद आ गई वो प्रेयर जब एक बच्चे ने प्रेयर की थी यहां पर शूज के लिए हैड मेड टू द गोडस वैन ही जो मुझे लग रहा है कि भगवान के आशीर्वाद से उसे मतलब फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिल गए हैं लेट मी नेवर लॉस दैम कि अब मुझे लगता है कि अब इसे नहीं घूम करना चाहिए एंड द गोडस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर शायद से गोडेस ने इसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया है एंड यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाव वॉ शूज़ जो अब छोटा बच्चा है अब प्रेस्ट का उसके पास क्या है शूज़ हैं वो क्योंकि शूज़ पहने हुए था बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहूड रिमेन्स शू लेस कि जैसे मेरे आस पास के इलाके में रेग पिकर्स रहते हैं विदाउट शूज़ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं टूडे वी विल स्टॉप आर लेक्चर हेयर And we will do the next part in the next video. Thank you. Have a nice day.